टप्पा एरिया ऑफ दिस ज़बरदस्त एरिया में आज हम आए और बहुत अच्छा एरिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम सिंध के एरिया टंडू मोहम्मद खान के दूसरे एरिया में आए जिसके इस रास्ते को कहते हैं मुला कातियार रोड। ये मुला कातियार रोड, यहाँ पे नहर है, ये सामने नहर है और उसके बाद यहाँ पे पार्क्स हैं, अपना गार्डन वगैरह ये वो, और बहुत सुपर एरिया है ये और काफ़ी हद तक ये एरिया मशहूर है और यहाँ पे बंदे घूमने आते हैं। इस एरिया में मैं ये पार्क भी हैं और आप ये देख सकते हैं, ये फार्म है, फार्म हाउस है किसी वडेरे का यहाँ के, और यहाँ पे पीर मुर्शिद फकीरी दरवेश ये औलिया इकराम भी बहुत हैं। इस एरिया में बहुत मशहूर है यहाँ के, और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे एक तो हरियाली भी है, उसके बाद पहाड़ें भी हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत ये पहाड़ों का एरिया है और हवेली भी है। बहुत सुपर रास्ता है यार, सिंध गवर्नमेंट में ऐसा रास्ता बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मिल रहा है तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं मिला है, मिल रहा है, बहुत अच्छा रास्ता है। और यहाँ पे भी हम दोस्त के साथ हैं, आप देख सकते हैं इसको, ये नवीद लगारी साहब, और हम दोनों साथ में यहाँ पे भी सुपर एरिया है, ये घूमने जैसे एरियाज हैं। हम आपको भी इन्वाइट करेंगे कि आप आएँ और यहाँ पर घूमें, ये बहुत अच्छे एरिया हैं, बहुत अच्छे एरिया हैं और ये घूमने जैसे एरियाज हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी सामने फार्म हाउस बने हुए हैं शायद, और यहाँ पे फिश पॉइंट्स, मछलियाँ वगैरह ये भी बहुत है यहाँ पे, और सुपर एरिया है। रेलवे स्टेशंस भी हैं यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं नहर सिस्टम, ये ऊँट है सामने, क्या नज़ारा था, सुपर नज़ारा है यार, देखने जैसा है यार, घूमने जैसा है, सुपर एरिया है। पुल देखो, ये आप देख सकते हैं कैसे पुल बनी हुई है, बहुत सदियों से बहुत पुरानी पुल बनी हुई है ये, और ये गांव के बंदे हैं, और ये चंगची चल रही है, चंगची वाला जा रहा है रिक्शे पे, सुपर एरिया है। आप ये देख सकते हैं पहाड़, और ये पहाड़ के एरियाज हैं, सामने पहाड़ हैं, पहाड़ में ये भी घूमने वाले एरियाज हैं, और रिक्शा इस तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल सुपर्ब है यार। हम आपको आगे भी और चीज़ें यहाँ की खूबियाँ दिखाएंगे इसी वीडियो में, आप देखिए, ये देख सकते हैं आप, और ये पहाड़ सामने दूर तक ये गाँव वगैरह बने हुए हैं, और ये बहुत बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, कुछ हद तक पहाड़ी है, कुछ हद तक हरेली है, ये सुपर एरिया मुझे तो बहुत पसंद है यार, बहुत घूमने के लिए हम यहाँ पे आते हैं ऐसे एरिया में, स्पेशली यहाँ पे हंटिंग भी बहुत होती है, बहुत हंटिंग होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत परिंदे, ये खूबसूरत परिंदे आप देख सकते हैं कि पहाड़ भी है और हरियाली भी है दोनों तरफ, ये आप दूर तक देख सकते हैं, ये पहाड़ भी है, हरियाली दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। एक चौकी बना हुआ है, ये पुलिस चौकी है यहाँ पे, पुलिस चौकी सिक्योरिटी के लिए, ये नाम देखते हैं, पुलिस चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट है ये आप देख सकते हैं पहाड़ है, आगे गाड़ी है, आगे गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत सुपर एरिया है यार, अच्छा रोड लगा पड़ा है, ये रोड भी सीधा है, सुपर रोड है यार, फर्स्ट क्लास, सुपर फर्स्ट क्लास रोड बना हुआ है, और इधर की चीज़ें भी अच्छी है, इधर का माहौल भी अच्छा है, उधर के दोस्त भी अच्छे हैं, उधर हम भी अच्छे, ऐसा मसला कोई नहीं है, अभी माशाल्लाह सुकून है, आप हर जगह घूम सकते हो यहाँ पे यार, बिल्कुल अमन है यार। ये बंदे बोलते हैं कि भाई सिंधियों के एरिया में अमन नहीं है, ये वो नहीं है, यहाँ पे हर चीज पे अमन है, नहीं 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 नहीं, सिंधियों का इलाका बिल्कुल अपने हिसाब से सही रखा हुआ है और सही बना हुआ है,
जो दूसरे लोग हैं हर शहर को गांव को बदनाम करने के चक्कर में होते हैं। आप देखो ये आज़ादी लगी पड़ी है, ये हमारी सिंध है, इधर हर कौम का आदमी सर घूम सकता है, इजीली घूम सकते हैं, हर चीज कर सकता है। और हम सिंधी आवाम ऐसी आवाम है जो रेम दिल है, अपना पोरियो करती है, अपना खाती है। अब हम आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाले हैं, यहाँ के बेंगलोर आप देख सकते हैं, सुपर बेंगलोर बने हुए दरगाह है अपना किसी मुर्शिद में पीर की। तो ये हम आपको दिखा सकते हैं, वो सूटेबल बहुत अच्छी जगह पे बनी हुई है और लोकेशन भी बहुत अच्छी है, और उस लोकेशन के हिसाब से ये हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये पीछे तो बंदे भी खड़े हुए हैं, कुछ सुपर एरिया है यार, बिल्कुल घूमने जैसे। हम आपको इन्वाइट करेंगे कि आप आएँ और ये आप आगे घूमें। तो ये मोहम्मद खान है, इसका नाम टनु मोहम्मद खान है, सुपर एरिया है आप टनु मोहम्मद खान के। और हम आपको इन्वाइट करेंगे प्लीज़ कि आप बराए मेहरबानी करके नए इलाकों में भी आएँ और अपने सिंध को देखें। ये एक नई पुल बन रही है, एक पुल ऑलरेडी बनी भी हुई है और दूसरी पुल का ये काम स्टार्ट चल रहा है। यहाँ पे पब एरिया हैं और हम आपको ये घुमा सकते हैं एंड दिखा भी सकते हैं कि यहाँ पे तरीके से हम आपको यहाँ के बंदों से मिलाना भी चाहते हैं। और कुछ बंदे जैसे कि हैं, उनसे पूछेंगे ये क्या बन रहा है, कौन सी चीज़ बन रही है यहाँ पे। सुपर एरिया है, बहुत खूबसूरत एरिया है यहाँ के माशाल्लाह से, आप खुद भी देख सकते हैं। और कुछ दोस्त भी बैठे हुए हैं, उनसे भी चल के पूछते हैं कि भाई ये क्या बन रहा है। ये मुलाकात यार का एरिया, दिस इज़ मुलाकात यार, एंड वी कैन आस्क देम व्हाट्स दिस। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा लगा था ये वीडियो पकड़ अरे छा पे उठे इन्हें पूरे इलाके जो इन्हें इलाके नालो छे सईदपुर टक्कर इतना जो चेयरमैन नालो बुझे समझो ना, चेयरमैन नहीं ही पुल वाली बेपुल स्टार्ट बेपुल बैठा है माशाल्लाह। मैंने साईं बारे में मना चला सुपर लाइक हुआ माशाल्लाह दा फेवर फेवर आई कैन टेल यू अबाउट दीस प्लेसेस वेरी नाइस प्लेसेस ऑफ मुलाकात यार यू कैन से दैट कैन नो मोमेंट कम दे आर देयर एंड वेरी स्पेशल एरिया ऑफ द सिंध आई कैन इनवाइट यू प्लीज विजिट दीज एरियाज और हम आपको इन्वाइट करेंगे बराए मेहरबानी करके आप सिंध की खूबसूरत देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह से, और आप आएँ ऐसे इलाके विजिट करें ना कि हम खाम मखा के लिए दूसरे इलाकों में जाएँ। सुपर एरियाज हैं, हम आपको और भी विजिट करवाते हैं आगे चल के। थैंक्स अल्लाह से मेहरबानी।